50 तक अगर चलाओगे तो एक वो जो सिटी की साउंड नहीं आती जैसी नई नई स्कॉर्पियो से आती है, मतलब महिंद्रा के डीजल इंजन से आती है। हैंडलिंग वाले पॉइंट में मैं इस बाइक को 10 में से 4 ही नंबर देने वाला हूँ। हीरो को अपनी क्वालिटी पे काम करना चाहिए। अब हीरो की क्वालिटी पहले जैसी नहीं है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से कैसे ये पार्ट पूरा हिल रहा है। और टेल लाइट की बात करूँ तो टेल लाइट भी आप देख सकते हैं 1000 किलोमीटर में हीरो स्प्लेंडर प्लस की टेल लाइट का ये हाल हो चुका है, अभी बाइक पे नंबर भी नहीं आया। नमस्कार दोस्तों, ऑटो एक्सपर्ट डायरी में आपका स्वागत है। तो भाई आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ऑटो एक्सपर्ट डायरी पर आ चुका है ब्लैक बदमाश यानी कि हीरो की स्प्लेंडर प्लस। अब पहली बार माइक्स ने ऐसा धोखा दिया है कि हम न्यू बाइक का वीडियो शूट कर रहे थे और यहाँ पे इंट्रोडक्शन की आवाज ही रिकॉर्ड नहीं हो पाई, लेकिन इससे आगे आपको आवाज बिल्कुल ठीक मिलेगी। घबराने की जरूरत नहीं है, सारी बातें बताऊंगा क्यों बाइक को खरीदा और टीवीएस स्पोर्ट है या फिर उसको निकाल दिया, और जब मेरे पास टीवीएस स्पोर्ट थी तो इस बाइक को लेने की क्या जरूरत पड़ी, उससे बेहतर है बेकार है अगर का बजट 1 लाख रुपए का है आपको इस बाइक पे जाना चाहिए या फिर किसी और बाइक पे जाना चाहिए, हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा। और इस बाइक के ऊपर एक पूरी प्लेलिस्ट बनाऊंगा, सिटी माइलेज, हाईवे माइलेज, दो लोगों के साथ माइलेज, पहाड़ों में चलने में कैसी है, इस बाइक का यूएसबी चार्जर कितनी देर में मोबाइल को चार्ज कर सकता है, हर तरीके से यहाँ पे टेस्ट करेंगे, i3s कैसे काम करता है, सब टेस्ट करने वाले हैं। तो इसकी मैं एक पूरी प्लेलिस्ट बनाऊंगा। अगर आप स्प्लेंडर प्लस खरीदना चाहते हैं या फिर आपके पास है तो आप उस प्लेलिस्ट को जरूर से फॉलो करना, आपके काफी काम आएगी। तो चलो भाई बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस 1 लाख रुपए के ब्लैक बदमाश में आखिर हमें मिल क्या जाता है, क्यों मैंने इस बाइक को खरीद लिया। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको वाइजर पूरा ब्लैक मिलने वाला है, स्टिकर मिलेगा, हीरो की बैजिंग मिल जाएगी और यहाँ पे आपको एक छोटा सा पायलट लैंप भी मिलता है हैलोजन में ही अपनी, यहाँ पे हेडलाइट मिलने वाली है और ये आपके फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स अभी 2024 में भी मिल रहे हैं। ऑरेंज ढक्कन है, मेरे हिसाब से इसको वाइट देते तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन हाँ अगर आप अपनी डिजिटल मीटर वाली खरीदते हैं तो वहाँ पे आपको वाइट ढक्कन ही मिलता है। कुछ ऐसा यहाँ पे अपना है पिद्दी सा मडगार्ड मिलने वाला है, स्पोर्ट में इससे काफ़ी अच्छा मडगार्ड था। 18 इंच का अलॉय व्हील दिया गया है और फ्रंट और रियर में आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं काले बदमाश के। तो जानकारी के लिए बता दूं ये यहाँ पे जो आपको इंजन मिलता है ये आपका हॉरिजॉन्टल इंजन इसको बोलते हैं टेक्निकल भाषा में। ये वाला इंजन जो होता है ये पावर पुलिंग के काम आता है, ये पिकअप वाला इंजन नहीं है। यानी कि आप अगर इस बाइक को खरीदते हैं तो आपको इस बाइक में पिकअप उतना अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ इस बाइक में आपको बेहतर पुलिंग पावर मिलेगी। आप इस बाइक पर 3 लोगों को लेकर चल सकते हैं, आप इस बाइक पर ज़्यादा वेट कैरी कर सकते हैं और जैसी ये बाइक आपको 20 की स्पीड पे पिकअप देगी वैसा ही ये बाइक आपको 50 की स्पीड पे पिकअप देगी। यही इस बाइक के हॉरिजॉन्टल इंजन का कमाल है। 9.5 लीटर की आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। यहाँ पे आपको ये पावर स्टार्ट की बैजिंग मिल जाती है, ETFI की बैजिंग मिल जाएगी, हीरो की बैजिंग दी गई है स्टिकर में। अगर आप अपनी खरीदते हैं डिजिटल वाली तो वहाँ पर आपको ये 3D में मिल जाता है। यहाँ पर आपको स्प्लेंडर प्लस मिल जाएगा 3D में लिखा हुआ और ये यहाँ पर आपको i3s मिल जाता है, क्योंकि i3s वाली बाइक है हमारे पास। 1500 रुपये एक्स्ट्रा देने की मैंने यहाँ पे, क्योंकि भाई इतना पैसा तो हम कंटेंट से कमाई लेंगे। रियर में आपको 5-स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलते हैं, सस्पेंशन बाइक के ठीक ठाक हैं। अभी तक इस बाइक को 1000 किलोमीटर चला चुका हूँ, उसके बाद आपके लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। अब 1000 किलोमीटर में मैं इस बाइक को हर ट्रेन में चला चुका हूँ, खड्डे में, पानी में, सब तरीके से, हाई स्पीड 90 तक भी मैं इस बाइक को ले गया, तो उस हिसाब से मुझे सस्पेंशन बाइक के ठीक लगे। और इस बाइक की अभी 500 किलोमीटर वाली सर्विस भी मैं करवा चुका हूँ, जिसमें अपना ये तो ऑयल ही चेंज करते हैं, फ्री सर्विस रहती है। अब बात करते हैं इस बाइक की सीट की कुशनिंग की। तो भाई सीट की कुशनिंग ये आप देख सकते हैं, सीट की कुशनिंग ठीक ठाक है, लेकिन स्पोर्ट में पिलियन के लिए इससे चौड़ी सीट मिलती है। ग्रैब हैंडल कुछ ऐसा मिलता है, अभी 2024 में साड़ी गार्ड आपको मिल जाता है और यहाँ पर आपको चैन कवर अपना मेटल का मिलने वाला है, ये फाइबर का नहीं है, ये आप देख सकते हैं। अब बात करूँ बाइक के स्विचेस की, तो स्विच आपको कुछ ऐसे मिलने वाले हैं, आप देख सकते हैं लो बीम हाई बीम यहीं पे। ये 100 साल पुराने अभी भी हीरो वाले स्विच दे रहे हैं, मेरे हिसाब से अब तो थोड़ा अपग्रेड होना चाहिए हीरो को, थोड़े स्विच की क्वालिटी को सुधारना चाहिए। इधर आपको i3s मिल जाता है, इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कैसे काम करता है। ये यहाँ पे आपको सेल्फ के लिए मिल जाता है, मेरे हिसाब से स्विच में थोड़ा हीरो को काम करना चाहिए। स्टील में आपको हैंडल मिल जाता है, काफ़ी अच्छा है, इंडिकेटर और यहाँ पे आपका USB चार्जर। इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाया है कि भाई कितनी देर में कितना मोबाइल चार्ज करता है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। 9.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी, E20 बैजिंग, क्योंकि BS7 या फिर BS6 2.0 जो भी कहना है आपको कह लीजिए। इस बाइक में सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, यहाँ पे छोटा सा स्पेस मिलता है। अब मेरे पास चश्मा रखने की कहीं जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ पे रख दिया, ना ही इधर गिर रहा ना ही इधर, इसी के अंदर यहीं पर खड्डों में कूद रहा है ऊपर नीचे। इंजन चेक लाइट, लो बीम हाई बीम, न्यूट्रल की लाइट, एनालॉग फ्यूल गेज, स्टैंड की लाइट, i3s और यहाँ पर आपका एनालॉग स्पीडोमीटर। 30 से 50 के बीच स्पीड रखोगे काफ़ी अच्छा माइलेज देगी, अगर इससे ज़्यादा चलाओगे तो माइलेज की उम्मीद मत रखना। अब बात टायर साइज की करूँ तो यहाँ पे आपको C8 के नायलोन के टायर मिलते हैं, ट्यूबलेस टायर रहने वाले हैं और यहाँ पे आपको ये देख सकते हैं 18 इंच का अलॉय व्हील मिलने वाला है,
8100 फ्रंट में और 8100 रियर में टायर साइज रहने वाला है। ये आप देख सकते हैं रियर में आपको मोडगार्ड काफी हल्का मिलता है और इस बाइक में आपको काफी चीप पार्ट अब हीरो वाले लगा के देने लगे हैं, वो भी बताने वाला हूँ क्योंकि इस बाइक को हम 1000 किलोमीटर चला चुके हैं। ये आप देख सकते हैं अब 1000 किलोमीटर में ही इस बाइक के कुछ पुर्जे ऐसे हैं जो बिल्कुल पूरी तरह से हिल चुके हैं और आपको बताइए मैं कितना केयरिंग पर्सन हूँ। क्या देख सकते हैं भाई छपरी, अब आपको बताइए मैं कितना केयरिंग पर्सन हूँ, कितने मतलब केयर से बाइक को चलाता हूँ, लेकिन उसके बाद भी इस बाइक का ये हाल हो गया। तो कहीं ना कहीं हीरो को अपनी क्वालिटी पे काम करना चाहिए, अब हीरो की क्वालिटी पहले जैसी नहीं है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से कैसे ये पार्ट पूरा हिल रहा है। और टेल लाइट की बात करूँ तो टेल लाइट भी आप देख सकते हैं 1000 किलोमीटर में हीरो स्प्लेंडर प्लस की टेल लाइट का ये हाल हो चुका है। अभी बाइक पर नंबर भी नहीं आया, लगभग 12-13 दिन बाइक को हो चुके हैं मेरे पास। फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको नंबर प्लेट की पत्ती के लिए अलग से पैसा देना पड़ता है। हैलोजन टेल लाइट मिलती है और ये इसका ये वाला पार्ट भी पूरा हिलने लगा है, ये आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं है पीडीआई अच्छी नहीं करी, उस टाइम ठीक था, पता नहीं अपने आप ही क्या हुआ। और इतना तो ज़्यादा मैं इसको खड्डों में लेके भी नहीं गया भाई, ये आप देख सकते हैं सीट तक हिल रही है पूरी, तो उसको चेक कराना पड़ेगा। फर्स्ट सर्विस तक तो ऐसा नहीं था, 500 किलोमीटर तक, उसके बाद ही हुआ है। पूरी ब्लैक बदमाश को आप देख लीजिए अच्छे से। अब बात करता हूँ इस बाइक में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। तो सबसे पहले तो बात अगर हेडलाइट की करूँ, हेडलाइट बाइक की ठीक ठाक है, लेकिन सबसे बड़ी जो कमी है ब्लैक बदमाश में पासिंग स्विच नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं पासिंग स्विच स्पोर्ट को चलाने के बाद जब किसी से आगे निकलते हैं, किसी सामने वाले को कहते हैं भाई थम जा पहले हमें जान दे, तो कहीं ना कहीं पासिंग स्विच की बड़ी याद आती है जो इसमें है नहीं, मेरे हिसाब से बिल्कुल होना चाहिए था। अब बात मैं करूँ बाइक के टायर्स की, तो भाई टायर्स को लेकर कोई शिकायत नहीं है। अभी एक क्लिप लगा दूंगा, ऑफ रोडिंग की है, बाइक के टायर काफ़ी अच्छे हैं, पंक्चर वंक्चर कुछ नहीं। अब दोस्तों बात अगर अपने ब्लैक बदमाश के सस्पेंशन की जाए, तो सस्पेंशन से भी मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 5-स्टेप एडजस्टेबल बाइक में सस्पेंशन दिया गया है और प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक ठाक काम करता है। अभी मैं ये भी आपको बताऊंगा, क्या आपके पास 1,00,000 रुपए हैं तो आपको यही बाइक लेनी चाहिए या फिर इससे अलग भी मार्केट में कोई ऑप्शन है, क्योंकि ऐसा नहीं है अगर मैंने ये बाइक ले ली तो आप भी इसी बाइक को लोगे, हो सकता है इस बाइक में कोई कमी हो। अब यहाँ पे सबसे पहले तो बात करूँ मैं स्विचेस की क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, हीरो को इस पर अपग्रेड करना चाहिए। दूसरी यहाँ पे इस बाइक के जो रियर व्यू मिरर है ना भाई काफ़ी टाइट है, मतलब अगर आप बाइक को राइड करते हैं तो आप एकदम से इसको ऐसे नहीं कर सकते, इनको मतलब थोड़े अच्छी क्वालिटी के बनाने चाहिए। स्पोर्ट्स में इससे बेटर मिलते हैं और एकदम वो एडजस्ट भी हो जाते हैं, अभी तो ये हो रहे हैं, लेकिन जब हमारा ध्यान बाइक चलाने पे भी होता है तो ये एकदम एडजस्ट नहीं होते, इन पे थोड़ा हीरो को काम करना चाहिए। खैर अब वो यहाँ पे पहले जो इंग्लिश में लिखा आता था उससे तो जान बची, कुछ तो हीरो वाले भी अपग्रेड हुए। हैंडलिंग वाले पॉइंट में मैं इस बाइक को 10 में से 4 ही नंबर देने वाला हूँ, क्योंकि हैंडलिंग इस बाइक की, वेट तो इस बाइक का कम है, तो कुछ लोगों को लगेगा कि भाई वेट कम है तो हैंडलिंग अच्छी होगी, लेकिन इस बाइक में सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है ना, अभी आपको बैठ के ही दिखा देता हूँ, मैं इस बाइक के ऊपर बैठता हूँ, ठीक है। अभी मैं इस बाइक पर ऊपर बैठ गया, तो जैसे मैं बैठूंगा और फुट स्टेप पे अपने पैर रख लूंगा, तो मेरे पैर जो हैं दोनों, मेरी ये लेग्स यहाँ पे टैंक से टच नहीं होती, और टैंक से अगर मैं टच करने की कोशिश करूँ तो नीचे स्पेस होता है, ठीक है। ऐसे तो मैं चलाऊंगा नहीं, इसको चिपका के ऐसे रहती है, तो ऐसे ये आप देख सकते हैं टैंक इसका काफ़ी पतला है, तो लेग्स इस पर अपनी टच नहीं होती, तो इससे होता है हैंडलिंग में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता। देखो अभी साइड से स्कॉर्पियो गई, मेरी बाइक बड़े स्टैंड पर खड़ी है, मेन स्टैंड पर अभी पूरी बाइक हिली है स्कॉर्पियो की हवा से, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो भाई इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता, ये जो अपनी स्पोर्ट होती है या फिर और भी 2-3 बाइक है एच एफ डिलेक्स में भी टैंक से लेग्स ऐसे चिपक जाती हैं ऐसे, उसके बाद हैंडलिंग में थोड़ा कॉन्फिडेंस बेहतर आता है। तो यार ये स्पेस मुझे काफ़ी अच्छी लगी भाई, ये अपना चश्मा वश्मा ऐसे रख सकते हो, एमरजेंसी में काम आएगा। अब बात करते हैं इंजन कैसा है, इंजन की मेन बात है ना भाई साहब, तो इंजन इस बाइक का ऐसा है, सुनो जब इस बाइक को चलाओगे 40 से 50 तक तो काफ़ी अच्छा है, पिकअप तो इस बाइक में बिल्कुल नहीं मिलता, पिकअप तो भूल जाओ, लेकिन हाँ
50 तक अगर चलाओगे तो एक वो जो सिटी की साउंड नहीं आती जैसी नई नई स्कॉर्पियो से आती है, मतलब महिंद्रा के डीजल इंजन से आती है, वैसी ही इस बाइक से भी आती है नई स्प्लेंडर से। शुरू शुरू में तो आपको आएगी 50 की स्पीड तक, अगर 50 तक चलाओगे तो काफ़ी अच्छी बाइक है। 60-70 मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि उसके बाद इस बाइक में मज़ा है नहीं। और अगर आपको माइलेज ओरिएंटेड बाइक चाहिए तो उस हिसाब से भी ठीक है, क्योंकि अभी तक मैं इस बाइक में 15 लीटर पेट्रोल डलवा चुका हूँ। और ये बाइक हमारी, ये आप देख सकते हैं, 190 किलोमीटर चल चुकी है, और अभी इस बाइक में लगभग 40-50 किलोमीटर की रेंज बची हुई है। अभी पेट्रोल इसलिए नहीं डलवाया ताकि माइलेज टेस्ट कर सकूं, तो 40-50 किलोमीटर की रेंज है, और 1100 किलोमीटर के लगभग से आप डिवाइड कर लेना 15 लीटर पेट्रोल में माइलेज बाइक ने क्या दिया है। ठीक है जी, बात की जाए हीरो के इंजन ऑयल की, उन्होंने अपना इंजन ऑयल डाला था तो उसके मुझसे यहाँ पे 450 रुपये चार्ज किए गए हैं, जिसमें सर्विस कॉस्ट फ्री थी, खाली इंजन ऑयल के इन लोगों ने 450 रुपये मुझसे लिए हैं। अब स्पोर्ट की मैंने सर्विस कराई थी, फर्स्ट सर्विस, तो वहाँ पे मुझसे लिए गए थे लगभग 330 या कितने रुपए पहले इंजन ऑयल के लिए गए थे, और जब मैंने दोबारा सर्विस कराई तो लगभग मुझसे 420 रुपये वहाँ पे खाली इंजन ऑयल के लिए गए थे। तो भाई उस हिसाब से अभी तक सर्विस कॉस्ट तो बाइक की ठीक ठाक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अभी सबके बाद अगर बात इस बाइक की बिल्ड क्वालिटी की करूँ तो भाई बिल्ड क्वालिटी को लेकर कहीं ना कहीं डाउट है, ये आप देख सकते हैं। वैसे तो ये इतनी फ्लेक्सिबल है, टूटने वाला नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत तो है। और अभी 1000 किलोमीटर में इस बाइक के किसी किसी पार्ट से तो आवाज़ भी आने लगी है, ये आप देख सकते हैं। ये भी ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं भाई ये अच्छे नहीं लगते, इनको थोड़ा हीरो वालों इनको सुधारो, स्प्लेंडर में अपग्रेड लाओ। अगर आपका बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है तो इसमें कुछ ऐसा बनाओ, मतलब अगर लोगों को ये पसंद है ना, और आपको लगता है कि भाई हमारी ये बाइक ही ज़्यादा बिकती है, तो लोगों के लिए इसको भी रखो, जैसे स्कॉर्पियो एन आने के बाद स्कॉर्पियो क्लासिक को रखा गया है, और एक बाइक और लाओ नई स्प्लेंडर, इसी का एक नया अवतार ले आओ, वो काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं किन लोगों को 2024 में हीरो स्प्लेंडर प्लस की तरफ जाना चाहिए। तो भाई अगर बिल्कुल ही हीरो फैन बॉय हो, या फिर हीरो की बाइक से लोग कुछ और पसंद ही नहीं आता, या फिर आप चाहते हो एक ऐसी बाइक जो ज़िंदगी में बिल्कुल टेंशन ना दे, शोरूम से लाओ और 15 साल मज़े में चलाओ, सर्विस के अपने टाइम पे करवाते रहो, सर्विस का भी चार्ज ज़्यादा ना आए, माइलेज भी ठीक ठाक दे, तो स्प्लेंडर से बेहतर कुछ नहीं है, मॉडिफिकेशंस भी ठीक ठाक हो जाएंगी। लेकिन हाँ, अगर भगाने के शौकीन हो तो इस बाइक को छोड़ देना, क्योंकि ये बाइक अच्छी तो है, मैं ये नहीं कह रहा अच्छी नहीं है, लेकिन भगाने के मामले में इससे कम प्राइस में TVS की बाइकों को अगर देखोगे या फिर बजाज की बाइकों को अगर देखोगे वो ज़्यादा बेहतर है। पलटना देख लेना, स्पोर्ट देख लेना, रेडोन देख लेना, स्टार सिटी आती है उसे देख लेना, वो इससे बेहतर है, कम प्राइस में आएगी और भागने में इनसे आगे हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए एक लॉन्ग लाइफ व्हीकल, रीसेल वैल्यू अच्छी, तो स्प्लेंडर से बेहतर कुछ नहीं है, आप खुद ही समझ सकते हो। TVS स्पोर्ट मेरे पास है, उसके तारीफों के पुल बांधता था, स्प्लेंडर की बुराई करता था, लेकिन एक समय ऐसा आया है स्प्लेंडर खुद मैंने खरीद ली, तो भाई कुछ ना कुछ तो ऐसा स्प्लेंडर में होगा। ठीक है, अब दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ऑटो एक्सपर्ट डायरी को सब्सक्राइब करें, और अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। स्प्लेंडर और TVS स्पोर्ट का मैं कंपैरिजन भी कर दूंगा, बिल्कुल कर दूंगा। भाई पता नहीं क्यों बार बार ये TVS स्पोर्ट मेरी जबान पर चढ़ती है, खैर वो तो एक अलग बात है, उसको छोड़ो। अब काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है, बाइक का एक हेडलाइट टेस्ट करते हैं, या आप देख सकते हैं अभी अंधेरे का वेट कर रहे हैं, उसके बाद घर को चलते हैं, फिर माइलेज टेस्ट करेंगे।